आर्थिक कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद, माननीय सभी बुद्धिजीवीगण, आज जिस सेमिनार में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह लड़ाई आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ओबीसी एसटी की लड़ाई चल रही है और आपके प्रयास से, आपके सहयोग से ही यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम लोग सत्ता पक्ष में भी हैं, अभी हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार साहब ने बात को रखा था, कभी कभी कुछ मजबूरियां हो जाती है कि भाई सत्ता में बैठे हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र में जो ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल आप लोग करना चाहते हैं। हम लोग का दायित्व तो बनता है तो उस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का। आपने जो बात रखा, चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है उसका सवाल हो, कई सवाल है जो हमारा जो पिछड़ेपन है, हमारा जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है, ये आपकी चिंता है। हमारे प्रोफेसर साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो थे बहुत अच्छे भाषण उन्होंने दिया, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो वैसे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, मौका मिले तो ज़रूर आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करिए, और राजनीति में आने से ही लोगों को न्याय मिलता है। जो सत्ता का केंद्र है, सत्ता के गलियारे में जब तक आप नहीं रहेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं आपका एक एक बात का मैं सपोर्टर हूँ। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के आधार पर आधारित उन्होंने भी क्लियर किया है कि जब पशु पक्षी का गणना हो रहा है, पेड़ पौधे का गणना हो रहा है, तो आदमी का अगर गणना हो जाता है तो क्या दिक्कत है, हम कौन जात के हैं इसकी जानकारी अगर सब लोगों को अपना अपना जात का हो जाए तो इससे क्या दिक्कत है। तो सरकार के पास इस मैसेज को दिया गया है और प्रोफेसर साहब ने उस बात को रखा कि ओबीसी के नाम पर राज्यों से कराया जा रहा है, यह बात सही है कि देश में जो सरकार चल रही है सरकार के माध्यम से जातीय जनगणना होना चाहिए। और यह आज से नहीं, हर पार्टी का यह डिमांड है। मैं तीसरी बार सांसद हूँ, 2009 में जब पहली बार मैं जीत कर आया था तो बीजेपी के साथ में था, बीजेपी के कई नेता हम लोग के साथ मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोगों से, उस समय उनका सत्ता था, वो मांग कर रहे थे कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। आज भी जरूरत है, चाहे सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं उनको ही चाहिए कि इस बात को बुलंदी से रखने की जरूरत है। अगर आप नहीं रखते हैं तो सत्ता परमानेंट नहीं होता है, सत्ता आया है और चला जाएगा, इसलिए बात को मजबूती से कहीं भी रखने की जरूरत हो तो रखना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात को रखने में कभी पीछे नहीं हटे। मैं इस बात को सदन में कई बार, अभी लगातार सदन नहीं चल रहा है, मेरा कई बार 193 में इस पर बहस कराने के लिए दिया हूँ, 0 आवर में दे रहा हूँ, 377 में दे रहा हूँ, लेकिन हाउस चल नहीं रहा है। लेकिन आपकी बात को हम लोग संसद में पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से जहाँ भी ओबीसी या दलित के साथ जो हकमारी हो रहा है, इसमें कई साथियों ने बहुत कुछ बोला है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खास करके चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आज वहाँ जाएंगे तो जब नाम पढ़ेंगे सूची तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। उस समय ये जरूर लगता है, अभी मानव संसाधन मंत्री जो बने हैं उस मंत्रालय में जब मैं गया तो
तो ऊपर से लेके आजादी के बाद से आज तक कोई ओबीसी का आदमी मंत्री नहीं बना था, पहली बार कोई ओबीसी का मंत्री बना है उड़ीसा से जो है। मैं उनको यह बात कहा कि लगता है आपका पहला नंबर, तो कहीं ना कहीं हकमारी हो रहा है। हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूँ। कई ऐसे अभी प्रोफेसर साहब का भाषण हमको बहुत अच्छा लगा कि चले जाइए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो बहाली हो रही है, तो ओबीसी और एससी के बच्चे की बहाली होती है कि परमानेंट है, लेकिन दो महीना चार महीना रह के उनको हटा दिया जाता है। किस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है, खास करके जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला था, मैंने मंत्री जी को भी रखा है। अभी हिमाचल में हमीरपुर NIT कॉलेज है, वहाँ 61 बच्चे की बहाली हुई है ओबीसी और एससी का एसटी का, लेकिन सबको परमानेंट बहाली हुई। 2.5 साल के बाद कहा जा रहा है कि आपकी बहाली परमानेंट नहीं। तो इस तरीके से उलझा करके लोगों को, खास करके जो ओबीसी और एसटी के लोग हैं, उनको उलझा कर रखा जाता है। इस पर हम लोग को सोचने की ज़रूरत है और इस लड़ाई को राज्य नहीं बल्कि दिल्ली में रह करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तब हम लोग को न्याय मिलेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने यहां आने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़े, मैं आप लोग